नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सरप मित्र। और आज हमें जो कॉल आई है वो जहांगीराबाद और नबीनगर के बीच से एक जंगल है जिसको कुआं बोलते हैं। आपको दिखा सकते हैं, यहाँ से कॉल आई है। यहाँ पर एक कुआं है जिसके अंदर एक श्यापा और इंडियन स्पिकल्टी कोबरा जिसको नाग के नाम से जानते हैं वो है, और दिखाते हैं वो इसके अंदर गिर चुका है। आइए दोस्तों, तो आप जान सकते हैं कि देख सकते हैं इसके अंदर भुइयां वगैरह या आलू वगैरह रखने के कारण। टॉर्च दिखाइए भैया, टॉर्च दो रखे उस पर गाड़ी पे, आपको दिखा सकते हैं। ये है, ये इंडियन स्पिकल्टी कोबरा है जिसको नाग के नाम से जानते हैं, और ये अभी कुएं के अंदर है। और चलते हैं, इसके अंदर सीढ़ी जाने के लिए कोई प्रबंध नहीं है जिससे कि सीढ़ी हो, और बिना सीढ़ी के चलते हैं नीचे रस्से की मदद से। और जैसे ही निकलता है आपको बाहर दिखाते हैं अभी। चलो दोस्तों, आपको जैसे देख सकते हैं ये एक सेफ्टी बेल्ट है जिससे इसके अंदर सीढ़ी नहीं है, तो रास्ता से जाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों हो चुके हैं अब रेडी, और चलते हैं नीचे। आइए अब माइक बढ़िया वाला है, आ जाइए। ये ना खुलेगा, चलते हैं अब नीचे। भैया अब तुम पकड़नी पड़ेगी रस्सी, पकड़ लोगे जी? हाँ ना, इसलिए पर खींचेगी ना ऊपर के लिए, रोकने की बात अलग है। तो दोस्तों अब चलते हैं नीचे, खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। चलो पकड़ो, टाइट करो थोड़ा, बस थोड़ी ढील ढील करो, हल्की 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 ढीली दो, छोड़ो। छोड़ो ढील दो, और दो। खेचो, रोको। दोस्तों आप देख सकते हैं खींचो, रोक लियो ऊपर लागे, रुको अभी रुको, खींचो। एक सेकंड रुको, पकड़ स्टिक। रुको, दोस्तों अब आ चुके हैं बाहर फाइनली। और अब दोस्तों इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी थी जो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी काफी तेज, लेकिन ये स्नेक जो है गोविंदा
दोस्तों इसका नाम इंडियन स्पिकल्टी कोबरा है। बहुत से टाइम या बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि इनके लिए दूध रखती हैं, दूध नहीं पी सकते। आम और बिल्कुल साधारण भाषा का कहने का मतलब ये है, जैसे इंसान की बॉडी के अंदर जहर को पचाने की क्षमता नहीं होती, तो इनकी बॉडी के अंदर भी जहर को पचाने की क्षमता नहीं होती है। पी सकती हैं दूध, ऐसा नहीं है कि नहीं पी सकते, लेकिन बहुत मजबूरी के अंदर। जब इनको ज़्यादा तेज़ प्यास लगती है, यदि कुछ नहीं मिल पाया तो ये दूध पी सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ये दूध पियेंगे तो ये मर जाएंगे। और ये काफ़ी अंदर से टाइम से उसके अंदर था, तो एक्टिव भी नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। और अब करते हैं इसको इसके अंदर पैक। आप देख सकते हैं ये अपने हुड को या फन को अब एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। अब से पहले ये एक्टिव नहीं था, और जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता है, इसकी उम्र जो होती है वो 32 से 40 साल तक जी सकता है। यदि किसी लैब के अंदर रखा जाए तो ये 40 साल तक जी सकते हैं। यदि नॉर्मल लाइफ स्टाइल हो इसकी तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 32 साल जीते हैं। और अब करते हैं इसको इसी के अंदर पैक। आप देख सकते हैं एक्टिव कम है। भैया थैला निकाल रही हूँ। और अब करते हैं इसको इसके अंदर पैक। दोस्तों अब करते हैं इसको इसके अंदर पैक। दोस्तों अब हो चुका है इसके अंदर पैक, और छोड़ते हैं कहीं इसको ऐसी जगह पर जहाँ पर ये इंसान या किसी भी उसके दायरे में नहीं है, और साफ और मस्त अपनी ज़िंदगी जिए। चलो दोस्तों अब आ चुके हैं फाइनली जंगल के बीच में, और जाने देते हैं इसको। रास्ते में इसे ही एक करैत रेस्क्यू किया है। सबसे पहले आपको करैत छोड़ते हैं। देख सकते हो इसका पूरा सा ही साइज है। ये कोबरा से 6 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। आप देख सकते हैं कोबरा है, एक करैत है, करे तो भी ज़्यादा दिख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।